हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम में पूछे गए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग देना, घटाव का अर्थ है जोड़ना और भाग से अभिप्राय घटाने का हो, तो निम्नांकित समीकरण से क्या उत्तर आएगा। तो दोस्तों दिए गए समीकरण से क्या उत्तर आएगा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 20 दिया गया, 20 के बाद दिया गया घटाव, तो घटाव का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। उसके बाद 8 दिया गया, 8 के बाद गुणा दिया गया है, गुणा का अर्थ होता है भागा, ठीक है। भागा 4 करेंगे, फिर 4 के बाद भाग दिया गया, तो भाग का अर्थ होता है घटाव, तो घटाव 3 करेंगे, 3 के बाद दिया गया प्लस, तो प्लस का अर्थ गुना है, 2 करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी को सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। अब 22 में 6 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू 26 है, सन के इक्वल 27 है, तो कैट का क्या होगा। तो दोस्तों ए का 26 दिया गया है, यानी ए का उल्टा क्या होता है, लेटर जेड होता है, और जेड का संख्या कितना होता है 26 होता है, यानी दोस्तों उल्टा लेटर का संख्या दिया गया, ठीक है। तो सभी का उल्टा लेंगे तो सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, और एक्स का कितना होगा 24, ठीक है। ए का 26 दिया गया तो 26 प्लस करेंगे, टी का होता है जी, टी का उल्टा लेटर जी होता है, और जी का संख्या होता है 7, ठीक है, तो 7 लेंगे। अब सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में हेलिंग को बी एफ आई के एच ओ जे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बेड टाइम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे कैसे लिखा गया, एच लिखा गया है, ई लिखा गया है, ए लिखा गया है, एल आई एन जी, ठीक है। अब इसी का नीचे ए लिख देंगे, बी एफ आई के एच ओ जे, ठीक है। अब दोस्तों ए के बाद बी आता है, ठीक है, एच के बाद आई, ई के बाद एफ, ठीक है। इसको दोस्तों के पहले एल आएगा, यानी के बाद एल आता है, यहाँ पर एक माइनस हो जा रहा है, सब प्लस हो जा रहा है, इसमें माइनस हो जा रहा है, ठीक है। आई के बाद जे, यानी प्लस 1 हो रहा है, जी के बाद एच, एन के बाद ओ, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों इसको बनाएंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें, तो लुप्त संख्या को बताना क्या होगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 162 दिया गया है, यदि इसमें 17 जोड़ते हैं तो दोस्तों 162 हो जा रहा है। अब दोस्तों 17 कहाँ से लाएंगे, तो 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसको निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 13 का स्क्वायर 169, जोड़ेंगे तो 233 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो है 8 प्लस 13 करेंगे कितना हो जाएगा 21, यदि 21 जोड़ेंगे तो 254 हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 9 के बाद 8 दिया गया है, 9 के बाद 8, उसके बाद 9 8 7, यानी घटते क्रम में लिख रहा है, उसके बाद 9 8 7 6 आएगा, उसके बाद दोस्तों 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 8 6 7 5 तक ही लिखा गया है, 5 के बाद क्या आया 4 आया, तो 4 इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी बुद्धिमान, अंतर्मुखी, मंद गति से सीखने वाले सभी विद्यार्थी को अध्यापक के ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यंत प्रकृतिवादी था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाउलो फ्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो दोस्तों दो संख्या मान लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। अब दोस्तों संख्याओं का योग दिया गया है 22, यानी एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है 22 दिया गया है, संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया 404, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया 404, ठीक है।
अब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर 404। ठीक है, अब दोस्तों एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया 22, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा, 484 माइनस टू एक्स वाई बराबर 404। ठीक है, अब दोस्तों माइनस टू एक्स वाई इधर चल जाएगा तो प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा और 404 इधर आकर घट जाएगा। ठीक है, तो यदि 484 में 404 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 बराबर टू एक्स वाई हो जाएगा। अब 200 कटेगा 40 बार में 80 कट जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है 40, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से दो मशीन बेचता है, पहले मशीन उसे 10% की लाभ होता है जबकि दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है, तो इस प्रकार लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 करेंगे। अब दोस्तों 10% की लाभ हो रहा है तो ए का वैल्यू अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे। तो ए का वैल्यू 10 लेंगे प्लस 10, ठीक है, और बी का वैल्यू लेंगे 10% की हानि तो माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 देंगे 100 बटा 100 काट देंगे तो हो जाएगा एक बार में कट गया, यानी 10 माइनस 10 माइनस 1 इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, यानी माइनस 1% की कमी हो रहा है। ठीक है, यानी 1% की कमी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 600 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, कितने समय में यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करेगी। तो दोस्तों निकालना है यहाँ पर समय। ठीक है, अब दिया गया है दूरी, दिया गया है चाल, दिया गया है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दोस्तों चाल दिया गया किलोमीटर पर घंटा में, समय निकालना है सेकेंड में, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 18 + 54 5 + 15 15 + 60 यानी 40 बार में कट गया। ठीक है, तो 40 सेकंड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपया है, उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है, अब उसके पास मासिक आय क्या है। तो दोस्तों 30% की वृद्धि हो रहा है तो मासिक आय कितना, पहले 18,000 है, 18,000 है उसमें 30% की वृद्धि करेंगे, यानी 130/100 करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 180 × 130 करेंगे दोस्तों तो 23,400 रुपया आ जाएगा, बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो दोस्तों औसत संख्या यदि दिया रहेगा तो वो बीच वाले संख्या होता है, ठीक है, यानी सेंटर में जो होता है। ठीक है, अब दोस्तों 9 विषम संख्या निकालना है, 9 विषम संख्या तो इधर 4 हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा और एक ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 53 के बाद क्या आता है, 53 के बाद विषम संख्या आता है 55, 55 के बाद 57, 57 के बाद 59 और 59 के बाद 61। अब इधर लेंगे 5 तो 53 के पहले आ जाएगा 51, 51 के पहले कितना आएगा 49, 49 के पहले आएगा 47 और 47 के पहले आएगा 45। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या निकालना है तो सबसे छोटी 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि लागत मूल विक्रय मूल का 96% है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी लागत मूल यानी क्रय मूल यानी सीपी इक्वल टू एसपी गुणे 96%, 96/100। ठीक है, अब दोस्तों सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा 96/100, तो सीपी का वैल्यू यानी क्रय मूल कितना हो गया 96, विक्रय मूल कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 4, लाभ हो जाएगा 4। ठीक है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो 4 लाभ आ गया, तो लाभ गुणे 100 फार्मूला था, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल, क्रय मूल कितना था 96 था, काट देंगे 24 + 96 25 + 100 6 + 24 यानी 25/6 इसको भाग देंगे दोस्तों तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, यदि वह सभी 75 अंक का जवाब देकर 125 अंक हासिल करता है तो उसके द्वारा सही जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों जिसको निकालना है उसको हम x मान लेंगे, तो सही दिए गए प्रश्नों की संख्या मान लेंगे x। ठीक है, x मान लेंगे। और दोस्तों प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिया जा रहा है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद दोस्तों प्रत्येक गलत पर 1 अंक काट दिया जा रहा है,
तो प्रत्येक गलत पर एक अंक काट दिया जा रहा है। तो दोस्तों गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल 75 दिया गया है, और यदि एक सही दिया है तो 75 में एक घटा देंगे, जो बचेगा वो आएगा गलत, यानी 75 माइनस एक करेंगे, ये गलत हो गया। और कितना अंक काट रहा है, एक अंक, यानी माइनस एक से गुना करेंगे, बराबर कितना अंक ला रहा है, 125 टोटल, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 4x प्लस 75 सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वन से गुना करें, माइनस 75 फिर माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 125। अब इधर 75 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा, और इधर 5x हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 200, 5×20 यानी 40 बार में कट गया, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि 67 और 101 के बीच मिश्र संख्याओं की संख्या कितनी है, तो मिश्र संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड होता है यानी जिसका फैक्टर होता है वो गुणन, वो दोस्तों मिश्र संख्या होता है, ठीक है। यानी 67 और 101 के बीच टोटल कितना संख्या है, तो 101 में यदि 67 घटाएंगे तो 33 टोटल संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बीच दोस्तों अभाज्य संख्या भी आएगा, तो अभाज्य संख्या इसमें टोटल 6 आता है, तो 6 यदि इसमें माइनस करेंगे तो 27 बच गया, यानी 27 जो है मिश्रित संख्या, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का जोगफल 289 है, तो संख्याओं का जोग क्या होगा, तो संख्याओं का जोग निकालना है दोस्तों। संख्या मान लेंगे एक्स और वाई, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। दिया गया गुणनफल दिया गया है, यानी एक्स वाई का वैल्यू इस बार दिया गया है 120, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 289, ठीक है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 289, ठीक है। अब दोस्तों एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, xy का दिया गया 120, और 120 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 240, और इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 289 प्लस हो जाएगा 240, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 8×4, 12×4, 1×5, 529। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है, यदि स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई पर रूट 529, और 529 का यदि रूट से बाहर करेंगे तो 23 होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो दोस्तों डिजिट चेंज कर देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 50 और क्रय मूल्य हो जाएगा 40, ठीक है। अब दोस्तों लाभ हो रहा है कि हानि, तो दोस्तों विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है 50 रुपये में और खरीद रहा है 40 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 50 में 40 घटाएंगे तो 10 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40 है, 0 से 0 कट गया, 25×100 यानी 25% की लाभ हो रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया था, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सर्वन दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी भाषा प्रशिक्षण की, सर्वन प्रशिक्षण की, वाणी प्रशिक्षण सभी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना पार्लियामेंट एक्ट के तहत कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा संसाधन जो शिक्षा में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जल संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत की, तो शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत की किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्टन मेयो ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है माध्यान्ह भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नामांकन बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सहपाठचर्यात्मक क्रिया है, तो सहपाठचर्यात्मक क्रिया क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्र के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है मनोविज्ञान विश्लेषण किया गया है, तो मनोविज्ञान विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
सिगमंड फ्रायड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोवे ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 12 कुर्सी और 8 टेबल का मूल 676 रुपया है तो 21 कुर्सी और 14 टेबल का मूल क्या होगा? तो दोस्तों 12 कुर्सी यानी 12 सी लेंगे, सी से डिनोट करेंगे चेयर यानी सी से। ठीक है, और 8 टेबल प्लस 8 टेबल बराबर कितना दिया गया 676 रुपया। अब दोस्तों चार यदि दोनों में कॉमन लेते हैं, चार कॉमन लेते हैं तो दोस्तों 3c हो जाएगा प्लस 4 × 8 टी हो जाएगा बराबर 676। अब इसको काटेंगे दोस्तों चार से तो कट जाएगा 4 × 4 = 24 और 4 × 9 = 169 हो गया, यानी 3c प्लस 2t बराबर हो जाएगा 169। लेकिन दोस्तों यहां पर 21 कुर्सी और 14 टेबल निकालना है, अगर दोस्तों 7 से गुना कर देते हैं दोनों में तो 7 × 21c हो जाएगा यानी 21 चेयर और 14 टेबल, तो निकालना है इसी को, तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, जो गुना करके आएगा आंसर हो जाएगा, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 264 का 60% बराबर है, तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, जितना वैल्यू आएगा इसका सभी ऑप्शन के चेक करेंगे, यदि इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यानी किसी का भी इसके बराबर वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? तो दोस्तों अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक या अपने स्वयं से कटता है वो अभाज्य संख्या हो गया। तो 100 तक कितने अभाज्य संख्या बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल 25 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुतम समापवर्तक क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताना है। ठीक है, अब दोस्तों सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो दो संख्याओं का अगर मसल निकालने पर एक आता है तो वह सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो 117 का दो संख्या कौन कौन से हो गया सह अभाज्य संख्या, तो 9 और 13। ठीक है, और 9 और 13 का यदि गुना करेंगे तो 117 आ जा रहा है, और इसका एलसीएम यदि निकालेंगे तो 1 आता है। ठीक है, अब दोस्तों इस दोनों का यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 9 × 13 कर देंगे 117 ही आएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक संख्या अपने पाँचवें भाग से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगा? तो संख्या निकालना है, एक्स मान लेंगे, संख्या मान लेंगे एक्स। अब दोस्तों एक्स का पाँचवा भाग, तो एक्स का पाँचवा भाग से कितना अधिक है, 20 से अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस दिया गया 20 यानी एक्स माइनस एक्स बटा 5 बराबर करेंगे 20। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए किए जाने वाले वृहत सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या बताना है। दिया गया दोस्तों 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया 87। अब दोस्तों ऑप्शन से इसको बनाएंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया 27, यानी दोस्तों 27 लेंगे, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31 आता है, तीनों का योग दिया गया है 87, यानी तीनों को यदि जोड़ने पर 87 आ जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा। तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जा रहा है, 9 × 1 = 10, 10 × 1 = 17, 3 × 2 = 5, 2 × 7 = 8, यानी 87 आ जा रहा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 5 व्यक्ति 10 खिलौने को 6 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बना सकते हैं तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 खिलौने कितने दिनों में बना सकते हैं? तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे MDH के फॉर्मूला पर, MDH बटा वर्क होता है। ठीक है, M मतलब मैन यानी आदमी, व्यक्ति, डे मतलब दिन, H मतलब आवर यानी घंटा, वर्क मतलब काम। ठीक है,
अब दोस्तों M1, D1, H1 कितना दिया गया है, तो M1 दिया गया है 5 व्यक्ति, D1 कितना दिया गया है 6 दिन, H1 कितना दिया गया है 6 घंटा, और W1 कितना दिया गया 10, ठीक है। अब W1 दिया गया 10, ठीक है, बराबर करेंगे। अब दोस्तों M2 कितना दिया गया 12, D2 निकालना है, H2 कितना दिया गया 8 घंटा बटा W2 दिया गया 16, इसी को यदि सोल्व करेंगे दोस्तों तो 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो इसका एलसीएम निकालने पर दोस्तों 48 आएगा। अब शेष जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, तो प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 50, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक कार पहला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जबकि अगला कार 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या होगा। दोस्तों कार की औसत गति यानी औसत चाल निकालना है, तो दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 39 प्लस 25, तो 39 करेंगे प्लस 25 बटा करेंगे कुल समय, कुल समय 45 दिया गया है और प्लस 35 मिनट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मिनट में दिया गया है और आंसर में लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी घंटा में लाना है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 9 × 5 = 14, 3 × 2 = 5 = 164 हो जाएगा, और ये 60 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 80, ठीक है, 45 + 35 = 80 हो जाएगा। अब इसी को काटेंगे तो दोस्तों 0 0 कट गया, 8 × 8 = 64, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है राधा का वेतन सलमा का वेतन से 20% कम है, तब सलमा का वेतन राधा के वेतन से अधिक कितना है। दोस्तों अगर दोस्तों कम रहेगा या अधिक रहेगा, अगर अधिक या कम निकालने के लिए बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितना जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, 20 दिया है 20 लिखेंगे, अगर कम हो रहा है तो 100 में घटा देंगे, कितना कम हो रहा है तो 20 कम हो रहा है तो 80 हो जाएगा, गुने करेंगे 100, ठीक है, 20 × 80, 25 × 100, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी और बी का एस से क्या संबंध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जिस प्रकार बी डी ई जी से संबंधित है और एम ओ पी आर से है, तो उस प्रकार एफ एस किससे संबंधित है। तो दोस्तों बी और ई में देखते हैं, तो बी और ई में प्लस 3 जोड़ते हैं तो बी सी डी ई आ जा रहा है, डी को जी से यदि देखते हैं तो प्लस 3 जोड़ते हैं तो ई भी आ जा रहा है, इसी प्रकार एम को पी से जो देखते हैं तो प्लस 3 जोड़ने पर पी आ रहा है, ओ के बाद प्लस 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों आर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एफ में यदि प्लस 3 करेंगे तो एफ जी एच आई आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार एच को यदि करेंगे तो एच आई जे के हो जाएगा, यानी आई के इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माया अपने कक्षा में नीचे से 6वीं और शीर्ष 28वीं रैंक पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो नीचे से 6ठा और ऊपर से 28वां, दोनों को जोड़ देंगे 28 + 6 करेंगे और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें, पुस्तक का प्रकाशक है तो फिल्म का निर्माता हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। दोस्तों दिया गया 121 के बाद निकालना है, उसके बाद 169 दिया गया है, 196 दिया गया है, तो दोस्तों 121 जो 11 का स्क्वायर है, उसके बाद 12 का स्क्वायर, उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 है, उसके बाद 14 का स्क्वायर 196, यानी 12 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।